डेवलपमेंट की बात करता हूं। हेलो, पीछे हाँ कनेक्ट कीजिए ना साउंड, पीछे ही है मनोज। हाँ ज्यादा मजा ही नहीं खाता है क्या? हाँ, और ये कीजिए, मेरा ऑडियो कनेक्ट। चाय की दुकान पर वो पहुंचते हैं, इन्हें चाचा कहते हैं जो यहाँ चाय बनाते हैं, और जब भी दुमका जाते हैं यहाँ पर रुक के मुख्यमंत्री चाय की चुस्की इस चाय वाले की दुकान में जरूर लेते हैं। हेलो, आज कहाँ मेरा आपका फोन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जो यहाँ के चुने थे मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे पहुंचे आज सियाराम चौधरी की दुकान पर। हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं, जब भी यहाँ आते हैं, और सर्द भी है, बाबा चचा हैं। ये कौन आए हुए हैं अभी, कौन आए हुए हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा आते हैं आपके यहाँ, कई वर्षों से चाय जरूर पीते हैं आप ही से। हाँ, 14 महीना के थे तब भी आते थे, जब विपक्ष के नेता रहे तब भी आए, अभी मुख्यमंत्री अभी भी 4 बार आ चुके हैं। हाँ, देखिए तमाम अधिकारी भी आए हुए हैं, सभी अधिकारी हैं। हाँ, सभी लोग देखिए, ये एक बड़ा सुखद पहलू है, श्रीराम चचा जी हैं और इनके यहाँ मुखिया ये आए हुए हैं, और मजे की बात ये है कि जिले के तमाम अधिकारी के प्रमंडल के भी सभी अधिकारी यहाँ आए हैं, सब लोग चाय के। सर हम लोग एक बार फिर लाइव बोर्ड में हैं, सर लाइव बोर्ड में। हाँ कोई नहीं, ठीक है, तो अब नहीं, तो अभी चल रहा है, और वो जो अपने जो लोकल जो अंदाज है उनका, उसी अंदाज में सभी से बात कर रहे हैं अभी, और चाय की जूस की चल रही है। हालांकि टेम्परेचर आज यहाँ का थोड़ा सुखद ही कहा जाएगा, ठंड है लेकिन इतना भी नहीं। तो तमाम लोग हैं, मनोज एक बार दिखाएं तस्वीरें, सड़क पर सभी लोग खड़े हैं अपने चहेते मुख्यमंत्री को देखने के लिए। ये अब वो निकलेंगे यहाँ से, एक बार हम कोशिश करेंगे कि बात हो सके। बिल्कुल कोशिश हमारी होगी, सामने से आइए मनोज, एक बार सामने से दिखाइए तस्वीर। ये हमेशा यहाँ आते हैं, हर बार, जैसा कि चाय वाले से चाचा जी ने कहा कि जब भी विपक्ष में थे तो भी आते थे, विपक्ष में तो भी आज भी आए हैं। यहाँ जरूरी भी है, यहाँ बहुत पहले कई जगह दिया गया था, इधर हम लोग सप्लाई नहीं दिए, इधर नहीं सप्लाई दिए, लगता है कुछ इश्यूज है और उनको बर्बाद कर देते हैं, लोग जला देते हैं लेबर से, मतलब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं लेबर से, हर वार्ड में सब वार्ड भाई हाजिर करते हैं। पैसा नहीं है,
ये दुकान का ही है, दुकान का ही बाउंड्री है। कौन है ये? मेयर हो रहे हैं क्या? ये वार्ड नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनका हस्बैंड है, श्वेता झा के हस्बैंड है। बिल्कुल, सी एम साहब से दोस्ती टाइप का है। देखिए इस वक्त सीएम महोदय यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनके पति यहाँ पर मौजूद है, उनसे वो कुछ साफ सफाई को लेकर के उनसे सवाल जवाब हो रही है। वो जानना चाह रहे हैं कि डस्टबिन क्यों नहीं है सड़कों पर। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चिंता है उनके साफ सफाई को लेकर के है, अपने शहर, उनका ये शहर है और चूँकि रूप राजधानी है इसलिए भी, और वो हमेशा यहाँ चाय पीने आते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आज उनकी नज़र पड़ी और वो पूछ रहे हैं, वो जायजा लेना चाह रहे हैं, वो सब कुछ जानना चाह रहे हैं क्यों नहीं है साफ सफाई को लेकर के और क्या कुछ है। और शायद यही वजह थी कि साथ में इन्होंने यहाँ के जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों को लेकर के अपने साथ निकले हैं, ताकि जो कमियां हैं वो उसे वहीं देख करके वो बात कर सके। और यही वजह है कि वो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं अधिकारियों से। मनोज हेडरूम में नहीं दिख रहे हैं, सीएम दिख ही नहीं रहे हैं आपके कैमरा में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे दिख रहे हैं सामने से, उधर से नहीं कोई है, फिर देखिए चेहरा हट गया उनका। हाँ ठीक, ये दुमका से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वही चाय की दुकान है जहां पर अक्सर मुख्यमंत्री आते हैं जब भी वो दुमका जाते हैं, और मुख्यमंत्री ने पहले भी बताया कि यहां छोटे से ही वो इस चाचा की दुकान पर चाय पीते रहे हैं और जब भी दुमका आते हैं यहाँ से चाय पीना नहीं भूलते। आपको बता दें कि कल यहाँ पर जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह है और इसी वजह से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं दुमका और सर्द शाम में चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं। इस दौरान जो वहाँ के लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं अपनी अपनी बातें लेकर। इस दौरान साफ सफाई को लेकर भी मुख्यमंत्री संजीदा नजर आए, डस्टबिन की बात भी उन्होंने पूछी कि आखिर डस्टबिन क्यों नहीं है, ऐसे जो दुकान छोटे छोटे लगाए जाते हैं, या फिर शहर में साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिए। अब आ रहा है ठीक। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर डीसी और कई अधिकारी मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे आयोजन स्थल का जायजा लेने के लिए और उनके साथ डीसी और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर आम लोग भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर चाय की एक दुकान है जहाँ अक्सर मुख्यमंत्री जब भी दुमका जाते हैं यहाँ पहुँचते हैं और वहीं पर उन्होंने चाय की चुस्की ली है तमाम लोगों के साथ। दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज आयोजन स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाना है और इसके बाद अपनी खास दुकान, चाय की दुकान, जहां चाचा की दुकान मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, वहां पर उन्होंने चाय की चुस्की ली और कई शहर को लेकर कई निर्देश भी दिए वहां पर मौजूद पार्षद को और
सफाई को लेकर भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ दुमका के डीसी भी मौजूद हैं, इसके अलावा कई और पदाधिकारी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ डीसी भी मौजूद हैं यहाँ पर और अधिकारियों से बातचीत करके कई तरह के और बातों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, कई निर्देश भी दे रहे हैं। दुमका चूंकि उपराजधानी भी है और काफी लगाव रहा है जेएमएम का संताल परगना के दुमका क्षेत्र से, और यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भी दुमका पहुंचे हैं, और यहाँ पर उन्होंने चाय की चुस्की का लुत्फ उठाया जहाँ से हमेशा वो चाय पीते हैं, और अब यहाँ से वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके साथ दुमका डीसी भी मौजूद हैं और कई अधिकारी भी मौजूद हैं। चाय की चुस्की लेते हुए मुख्यमंत्री को आपने देखा। दुमका की गलियां ही ये दुमका की सड़कें जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उपराजधानी में कल यहां पर जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह है, उसी में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। गांधी मैदान में जेएमएम का स्थापना दिवस आयोजित है, इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डीसी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद बजट पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।